स्काइप कीजिए मेरे एमडी टेक टेक्निकल गुरुजी को, और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है, और आज मैं डीसी मिनी मोटर रिपेयर करना बताऊंगा। जी ये मिनी मोटर है डीसी जी, अधिकतर ये ख़राब हो जाती है, तो घर पर ही हम इसे रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसे चलाकर दिखाऊंगा कि चालू है कि नहीं है। मैं इसे मोबाइल के चार्जर से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। सॉरी दोस्तों, वापस कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये दे आप मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब ये देख लो, आप देख सकते हैं कि चल नहीं रही है, पहले हम इसे खोल चालू लेंगे। मोटर नहीं है और ये। ये यहाँ पे इसके लॉक रहते हैं, तो इसे ओपन ऊपर कर लेना आप। ये आप देख सकते हैं, मैंने भी ऊपर कर लिए इसे। ये कुछ इस प्रकार से खुल जाएगी। ये इसका ब्रश है, ये ब्रश है इसके, ये आप देख सकते हैं ब्रश है। और ये है मोटर, ये पूरी मोटर बाहर आएगी। इसको सबसे पहले हम निकाल लेंगे। ये निकल चुका है, ये मोटर है। हम इसके सारे वायर निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये आप रेल पत्ती की सहायता से या किसी आरी की सहायता से आप इसे निकाल सकते हैं। मैं आरी की थोड़ा सा एक जो टुकड़ा है वो लूँगा, इसकी सहायता से मैं निकालूँगा ऐसे। इसको काटना पड़ता है दोस्तों। सबसे पहले आप इनके जो दो वायर हैं, ये वायर हैं, इन वायरों को तोड़ना पड़ेगा। ये वायर तो यूँ भी टूट जाते हैं, अगर आप इसको उछका के या आप इसकी सहायता से इसे काट देंगे। पहले से हम काट देंगे, ये वायरों को काट दिया हमने, ये काट दिया, ये आराम से बाहर आ गया। ये ब्रश जो रहते हैं उसके अंदर लगता है, इसी से मोटर घूमती है। ये आप देख सकते हैं, ये ब्रश है ये। इसके बाद में हम इसे निकाल लेंगे, इनके वायर निकाल लेंगे। अगर ऐसे वायर निकले एक दो दो करके तो भी निकाल सकते हैं। हम इनके वायर निकाल लेंगे, ये वायर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसके सारे वायर हम निकाल लिए हैं। वायर निकालने के बाद हमने जो निकाला था इसे, जिससे जो करंट पास होगा वायरों में, वो हम लगा देंगे। इसको हम ज़्यादा नहीं लगा, पहले पूरा नहीं लगाएंगे, आधा लगाएंगे, क्योंकि हमें इसमें अभी वायर का यूज़ करना है, वायर लगाना है। मैंने ये 35 नंबर कॉपर का वायर लिया है, आप देख सकते हैं 35 नंबर कॉपर का वायर है। सॉरी, 35 नंबर कॉपर का वायर लिया मैंने ये। हम पहले इसे छील लेंगे। छीलने के बाद हम इसके जो किनोर है, इसकी जो किनोर है यहाँ पे लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने वायर छील लिया, आगे से छीलना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये जो वायर है ये जगह लगाना पड़ेगा। हम ये वायर ऐसे लपेटना है हमें, तो इस प्रकार से दो चार बार हम वायर लपेट देंगे। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किनोर होंगे, ये ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। अब वैसे के वैसे स्थिति में हम ये लगा देंगे। हमने ये लगा दिया। लगाने के बाद में हमारा जो एक्स्ट्रा वायर हम उसे काट देंगे। हमने एक्स्ट्रा वायर हटा दिया यहाँ से। फिर इसे हम घुमाएंगे। इसे हमें
60 बार घुमाना है या 50 बार भी ले सकते हैं टर्न। ये दो हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, हो चुके हैं दोस्तों, 20 लेना है हमें। 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। हमारे 60 राउंड पूरे हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, 60 राउंड के बाद में हम यहाँ पर भी छीलेंगे। छीलने के बाद हमारे जो एक यहाँ पे जो पत्ती है हम इसमें लगाएंगे, ये ऐसे करके जाएगा। पहले हम इसे छील लेते हैं। हमने ये वायर छील लिया है, ये आप देख सकते हैं कि ये दो वायर अलग अलग है, ये ज़्यादा चमक रहा है और ये कम चमक रहा है। ये देखो, आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये देख लो। उसके बाद में हम इसे ऐसे कैसे जॉइंट कर देंगे, ये एक बार घुमाएंगे हम इसमें पत्ती में, ये दो, ये तीन और ये चार। जितना आपने वायर छीला है उतनी बार आप घुमा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 3 या 4 या 5 बार ही घुमाना है, जितनी वायर बचा हो उतना आप कर सकते हो। उसके बाद में हम इसमें भी वही टर्न लेंगे जो इसमें लिए थे, हमने 60 टर्न लिए थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
करना है, सिर्फ एक ही टाइम होगी एक प्रोसेस ये वाली। वापस से हम इसे, मैं तो रेल पत्ती की सहायता से छील रहा हूँ, आप चाहो तो इसे जलाकर भी छील सकते हैं। अगर जलाकर छीलोगे तो ज़्यादा अच्छा लगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। माचिस की सहायता से आप जला सकते हो इसे। जलाने के बाद रेजमाल की सहायता से आप इसे घिस सकते हो, वो इजी काम है। बाकी का ये मैं बता देता हूँ, माचिस से भी आप जला के, ये जल चुका है। और बिना रेजमाल के भी आप हाथ से भी इसे कर सकते हो। इसे ये हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो वायर हैगा हम इसमें लगाएंगे। हमने छील लिया है, अब क्या करेंगे कि हम जो पत्ती, वो मेन वैसे की वैसे प्रोसेस करेंगे, इसमें भी हम लगा देंगे ये पत्ती इधर से। ज़रूरी नहीं है आप किधर से भी घुमा सकते हैं, वायर लगाना है आपको तो आप किधर से भी लगा सकते हैं वायर। हाँ, देखना ज़रूरी है कि वो उसमें टच हो रहा है कि नहीं हो रहा, पत्ती में टच हो रहा है या नहीं हो रहा वायर, वो बहुत तो इम्पोर्टेंट है। अगर पत्ती में टच नहीं हो रहा होगा वायर तो मोटर चलेगी नहीं, मोटर में कहीं ना कहीं फॉल्ट आ ही जाएगा। पत्ती टच होना ज़रूरी है। अब वापस से वही प्रोसेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
काटना है। काटने से पहले हम इसे वापस से जलाएंगे और फिर छील लेंगे। हम इसे वापस से जलाएंगे। हमें जितना ज़रूरत था हमने उतना ही लिया है ये। उसके बाद हम क्या करेंगे,
हम इसमें इस जो आखिरी वाला जो बचेगा, मतलब जिससे हमने शुरुआत की थी, उसी में एक बार और वापस से जो आखिरी वाला जो पोजीशन रहेगा हमारा, उसी में हम लपेट देंगे। जहाँ से हमने शुरुआत करी थी उसी में ही हम आखिरी में लपेट देंगे और ये तोड़ देंगे। ये हमारी मोटर चलने के लिए तैयार हो चुकी है। ये मोटर हमारे चलने के लिए तैयार हो चुकी है दोस्तों। आप थोड़ा ध्यान से बनाएं, क्योंकि जैसे मेरा वायर अटक गया था, ये आपका भी अटक सकता है। अब मैं आपको चला के दिखाऊंगा। ये मोटर डायरेक्ट लगा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि अभी बनाई है अपन ने मोटर। और ये इसका ढक्कन हम लगा देंगे। ये दोनों पत्तियों के बीच में आना चाहिए। मैं पत्ती दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। ये पत्ती है और इन दोनों के बीच में ये बैठना चाहिए, तभी जाके चलेगा आप मोटर, तभी चलेगी आपकी। आप देख सकते हैं कि हमारी मोटर चालू हो चुकी है। मैं इसमें गियर लगा के बताता हूँ आपको। लग चुका है, आप देख सकते हैं। इसको टच कर इस पे। आप देख सकते हैं कि हमारी मोटर चालू हो चुकी है दोस्तों। ऐसे ही आप घर पे बना सकते हैं, चालू कर सकते हैं। मोटर खराब पड़ी हुई मोटर को आप चालू कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।